अभी मैं छत में आई हूँ और गर्मी इतना है ना कि क्या बोलूँ। अभी ना सूरज ढल चुका है लेकिन फिर भी गर्मी ख़त्म नहीं हो रहा है। मतलब सुबह के 5:30 बजे से जो गर्मी लगना स्टार्ट होता है ना, मतलब 5:30 बजे सूरज उग जाता है एंड अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं अभी तक। मतलब गर्मी, मतलब ऐसे लगते हैं जैसे कि आग का गोला में बैठे हैं। और अभी मैं छत में अकेले ही आई हूँ, हस्बैंड जी गए हैं रास्ते साइड में टहलने, मुझे बुला रहे थे, मैं नहीं गई। क्या जाऊँगी यही गर्मी में, फिर कपड़े चेंज करो सब जाओ, मतलब और अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ। और मेरा ये दोनों साइड ना मतलब दर्द हो रहा है बहुत। और आजकल मैं वीडियो भी अच्छे से नहीं बना रही हूँ, क्या बनाऊँगी, कुछ शेयर करने के लिए है ही नहीं। मेन क्या है ना कि मैं अकेले पड़ जाती हूँ, मतलब कोई सपोर्टिव हैंड नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ में। जैसे मैं फेसबुक में वीडियो अपलोड करती हूँ, प्लस मेरा दो दो यूट्यूब चैनल है। ये सब बोलना नॉर्मली बहुत इजी होता है कि हाँ दो दो चैनल है, ऐसा है वैसा है ये है, क्या ही करना होता है, सिर्फ वीडियो ही तो अपलोड करना होता है, उसमें क्या ही इतना बड़ा काम है। हाँ नहीं है, जो करता है उसको पता है कि कैसा लगता है। और कुछ कुछ लोग सिर्फ इतना ही कह के टाल देते हैं कि हाँ ये तो मोबाइल चलाना ही है और क्या ही रहता है काम। तो किसी एक वीडियो को एडिट करने में, उसको फिर पोस्ट करने में, फिर उसमें बहुत सारे वीडियो अगर एडिट हो के भी अगर तैयार हो जाए ना, उसके बाद भी उसको अपलोड करने में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा। और नॉर्मल इंसान ये सब काम नहीं देख सकता। और सच बात बताऊँ तो मतलब तीनों चीज़ को एक ही साथ संभालना हो नहीं पाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि रंगोली का वीडियो भी छूट जाता है, मैं अच्छे से नहीं बना पाती हूँ रंगोली का भी। मेन क्या है ना कि मैं चाहूँ ना तो एक ही दिन में मैं ब्लॉग भी बना सकती हूँ और रंगोली भी बना सकती हूँ, मैं सब कुछ बना सकती हूँ एक ही दिन में, मैं बना लूँगी सब कुछ। फिर बात आती है एडिटिंग की, तो उस जगह पे मुझे कोई भी ना हेल्पिंग हैंड है और मैं जिस तरह से चाहती हूँ कि मैं एडिट करूँ वैसे हो नहीं पाता है। और एडिटिंग एक सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी वीडियो को तैयार करना, उसको प्रेजेंट करना किसी के सामने, भले उसमें व्यू हो चाहे मत हो, हो चाहे मत हो, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन एडिट तो करना पड़ेगा तभी तो वीडियो अपलोड होगा, बिना एडिट किए वीडियो अपलोड कैसे कर दूँ। और रही बात हस्बैंड की, तो वो क्या ही हेल्प करेंगे मेरा, वो किसी चीज़ में हेल्प नहीं करते हैं। और हाँ घर के काम में थोड़ा खाना बनाना ये सब में, ये सब चीज़ में हेल्प कर देते हैं। वो क्या है, वो तो मेरे लिए 15-20 मिनट का काम है, वो घर के काम चाहे जैसे भी हो वो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। लेकिन ये सब मोबाइल का काम, एडिटिंग का काम, ये सब मैनेज नहीं हो पाता है मेरे से। तो इसीलिए ना मैं सोच रही हूँ ना कि शायद छोड़ दूँ वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना, या कुछ भी मतलब छोड़ दूँ। अपना कुछ अच्छा नहीं लगता है क्योंकि होता है एक टाइम बाद ऐसे होता है ना कि व्यू नहीं आता है, वो बात की बात अलग है। लोग तो गंदा गंदा वीडियो जैसे तैसे वीडियो बना के डाल देते हैं, हो जाता है वायरल उनका, मैं नहीं कर पाती हूँ ना वैसे, और ना मैं टेढ़ा टेढ़ा जवाब दे पाती हूँ किसी को, ना मैं उस टाइप का वीडियो बना पाती हूँ। कंट्रोवर्सी वीडियो भी बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ, फैमिली मैटर के बारे में भी बहुत कुछ बोल कर मैं व्यू कमा सकती हूँ, मैं व्यू उठा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे वो सब करने ही नहीं है। और करना होता तो मैं बहुत पहले से ही करती ये सब, और बस यही सब चीज़ है। तो क्या बोलूँ, हस्बैंड के सामने ये सब बोलती भी हूँ, नहीं बोलती हूँ उनके सामने, वो क्या क्या बोलेंगे, क्या ही कर लेंगे वो। और खुद की परेशानी है, खुद को ही करना होता है। घर के काम तो देखिए रहते ही है, वो कभी ख़त्म नहीं होता और ना कभी होने वाला है। आज दिन ढल गया तो कल फिर से वही काम ही है। लेकिन मुझे एक तरह से ये लगता है ना कि रंगोली का वीडियो ये सब बनाना, उसको करना, मतलब थोड़ा सा मतलब एडिटिंग वगैरह ये सब में थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन ब्लॉगिंग वो बहुत बड़ा एक मतलब टास्क हो जा रहा है मेरे लिए। पहले मैं कंटिन्यू वीडियो डालती थी, भले एक दिन में हो दो दिन में हो, लेकिन अब मुझसे वो भी नहीं हो रहा है। क्या करूँ नहीं पता।